Hey guys, a great welcome from my side. Welcome back to the channel. Welcome back to another video. तो फिलहाल मैं हूँ समरकंद उज़्बेकिस्तान में. एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तो यूक्रेन जाके पढ़ाई कंटिन्यू करने का ऑप्शन ज़्यादा वाइज था नहीं, और उसमें बहुत सारी दिक्कत भी थे. तो मैंने सोचा कि ट्रांसफ़र ले लेते. तो करंटली आई मीन समरकंद उज़्बेकिस्तान, एंड मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में. तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक ए वीडियो ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन समरकंद. तो इस वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड करना होगा. पहला हो गया आपका एकोमोडेशन, दूसरा हो गया आपका ग्रोसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, इन सिटी ट्रांसपोर्टेशन या आउट सिटी ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, एंड चौथा हो गया आपका जो मिसलिनियस खर्च है या फिर जो एक्स्ट्रा खर्च होता है इधर. तो ये वीडियो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एंड जो भी रेट्स होंगे इस वीडियो में, जो भी प्राइसेस होंगे, जो भी मैं प्राइस बताऊंगा, ये या तो USD में होंगे या फिर उज़्बेकिस्तानी सोम में होंगे, तो मैं कन्वर्ट करके INR में स्क्रीन में डाल दूंगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो अगर आप एकोमोडेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरीज में रह सकते हो, या फिर आप आपके खुद के अपार्टमेंट रेंट करके रह सकते हो. अगर आप यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरीज में रह रहे हो, तो आपका खर्चा अराउंड $180 से लेके $280 से $300 तक होता है पर मंथ. और उसमें आपका जो खाना है वो भी इंक्लूडेड होगा, एंड ऊपर से आपका जो रहना है वो भी इंक्लूडेड होगा. एंड वो चीज़ डिपेंड करता है, जो फेयर मेनली जो पैसा होगा आपका वो डिपेंड करता है आप कौन से शेयरिंग रूम में रह रहे हो, 3 शेयरिंग रूम या फिर 4 शेयरिंग रूम या फिर 2 शेयरिंग रूम, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑन द सेम टाइम अगर आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, तो अपार्टमेंट का मेनली डिपेंड करता है इसका लोकेशन क्या है, उसमें डिपेंड करता है उसका रेंट. और उसके बाद डिपेंड करता है जो आपका लाइक अपार्टमेंट का कंडीशन क्या है, कि ये वेल फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है. फॉर एग्जांपल अगर आप सिटी सेंटर में रहते हो एंड 3 रूम अपार्टमेंट है आपका, तो आपका रेंट आएगा $450 से लेकर $500 तक, और वो अगर फर्निश्ड हुआ तो. अगर सेमी फर्निश्ड हुआ तो $450. सेम अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर रहते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ, इनका जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास रहता हूँ मैं, तो उधर अगर आप रहते हो एंड सेमी फर्निश्ड फ्लैट है आपका, तो आपका रेंट होगा $300 3 अपार्टमेंट रूम का, और अगर फर्निश्ड हुआ, वेल फर्निश्ड हुआ तो $350 होगा. एंड सेम अगर आप सिटी से बाहर रहते हो, जैसे कि इंडिया में होते हैं सोसाइटीज़ होते हैं, या फिर जो सिटी से बाहर जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, तो इधर भी है, तो सिटी से 7 से 8 किलोमीटर दूर है वो. अगर आप उधर रहते हो तो बहुत खर्चा कम आएगा आपको, 3 रूम अपार्टमेंट मिल जाएगा फॉर $200 to $250, वेल फर्निश्ड फ्लैट मिल जाएगा आपको, और उसमें इंक्लूडेड होगा सारे बिल्स वगैरह. अगर हम लोग बिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है इधर, फिर आपके पानी का बिल आता है, और फिर गैस का बिल आता है. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के रेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको फॉर 1 मंथ आपको 150,000 लाइक 150,000 पे करना पड़ेगा सोम फॉर 1 मंथ, तो आप आराम से बिता सकते हो. फॉर गैस आपको 150,000 में आप 3 महीने बिता सकते हो, विंटर्स में भी समर्स में भी सेम है. और पानी का पर मंथ 10 to 20,000 आता है. बाकी अगर आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो, तो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा प्लान है आपका, कौन सा है, तो ये प्लान वेरी करता है, 1 लाख सोम से लेके 2.5 लाख सोम तक डिपेंड वेरी करता है. जो भी आप प्लान ले रहे हो, कितने डिवाइसेस कनेक्ट करोगे आप, कौन सा स्पीड ले रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू ग्रोसरी. बट अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रोसरी. तो अगर आप समरकंद के बारे में बात कर रहे हो, आपको अगर ग्रोसरी खरीद, तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक हो गया, पहला हो गया बाज़ार, जो इधर दो बाज़ार हैं बड़े बड़े बाज़ार से, जो इंडिया में मंडी होता है उसकी तरह, एक हो गया बोगजाल बाज़ार, एक हो गया सीओ बाज़ार. एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो सुपरमार्केट्स है. तो आप अगर बाज़ार के बारे में बात करोगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार से ख़रीदना लाइक अफोर्डेबल हो जाएगा, रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, जैसे कि राइस हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको ओपन मार्केट से ख़रीदो तो आपको बहुत चीप रेट में मिल जाएगा. सेम अगर आपको डे टू डे लाइफ के लिए सामान चाहिए, जैसे कि आपका लाइक हैंड वॉश हो गया, या फिर ऑयल हो गया, या फिर मसाले हो गए, तो आप अगर सुपरमार्केट से खरीदोगे तो बेटर है. बट हाँ, ओपन मार्केट में भी मिल जाएगा, बट थोड़े प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, ना आपको बर्गेनिंग करना हो. सो अभी मैं जा रहा हूँ बोगजाल बाज़ार, सीओ बाज़ार, जाके दिखाऊंगा आपको क्या सीन है. जस्ट शो यू हो रहा हूँ. तो ये है सीओ बाज़ार का एंट्रेंस, देख सकते हो लिखा हुआ है सीओ देहरान बाज़ार बाज़ौरी. तो जाते हैं अंदर, आपको इधर सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि ओपन मार्केट में इंडिया में मिलता है. बट बेसिकली सब कुछ खरीदना इधर से उर्दित नहीं है, क्योंकि रिजनेबल प्राइसेस में मिलता नहीं है. तो आप राइसेस, राइस और लेंटिल्स वगैरह ही खरीद सकते हो, वही बेटर है. तो चलते हैं राइस वाले से. कुछ ऐसा है राइस का सेक्शन, चलते हैं किसी एक शॉप में, पूछते हैं राइस का क्या सीन है, क्या प्राइस है, क्या नहीं है. सो आपको इधर बासमती राइस ही मिल जाएगा, आपको इधर सुपर लेजर, कैंजा, ऑक्शॉक,
ये राइस के प्राइस है। आगे इधर स्कोल का केंज का 20,000 का किलोग्राम ये है। ये बासमती राइस है, लिखा हुआ बासमती। ये है 15,000 किलोग्राम। ये आका सुपर लेजर स्कोल का 20,000 पे, ये 25,000 का है। ये थोड़ा महंगा चावल है इनका। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक, बट सबसे बेहतर मुझे यही लगा, यही बेटर है। ये थोड़ा फील आता है इंडियन, इंडियन फील आता है इसमें बासमती वाले में। सो बाकी सारे प्राइसेस यही है। ये तिल का तेल है जो ये लोग ऑश बनाने के लिए यूज़ करते बेसिकली। तो हम लोग ये ले रहे हैं 3 किलोग्राम बासमती राइस, 15,000 करके पड़ा अपने को हुआ 45,000 फॉर 3 किलोग्राम्स। या दिस वन हाउ मच इज दिस वन? 400 ग्राम 20,000 सोम। एंड दिस वन? इट्स 15,000 सोम 15,000 सोम फॉर 100 ग्राम। 100 ग्राम 20,000 सोम। इट्स अ गुड। ओके गिव मी 200 ग्राम दिस वन। सो जो ये मसाला है ये लगभग अपना जो इंडिया में गर्म मसाला होता है उसको टच करता है ऑलमोस्ट, और ये इनका समरकंद का स्पेशल मसाला है। एंड बाकी सारे मसाले इधर आपको मिल जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक इंडिया में जैसा होता है वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत लाइक टच कर लेता है जो चिली मसाला है, जो भी पेपरिका है, जो भी है इधर टर्मरिक है, बट नॉट लाइक इंडियन मसाला, बट हाँ ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो आप। ये कुछ चाय वगैरह है एंड आपको वैरायटी ऑफ चाय मिल जाएगा इधर। सो तो ओके, आई नीड दैट चिली, रेड चिली, ड्राइड रेड चिली। आपको केसर भी मिल जाएगा। हाउ मच इज केसर ब्रदर? 10,000 10,000 सोम का एक पैकेट। चिली या 100 ग्राम 20। इज इट स्पाइसी? स्पाइसी या। दिस वन इज दिस वन एंड दिस वन इज सेम? नो दिस वन आई स्पाइसी वेरी हॉट। गिव मी हाउ मच इज इट? 20,000 फॉर 100 ग्राम। या ओ गिव मी 100 ग्राम 100 ग्राम या जस्ट मीन ओके या जस्ट गिव मी 100। आपको ये सब भी लाइक शो पीसेस सोवेनियर्स मिल जाएंगे आपको इधर। ये जो सामने वाला सेक्शन है ये जस्ट ड्राई फ्रूट के लिए, लेट्स गो एंड हैव इट। और जो मैं आपको बता रहा था ये टूरिस्ट सेंटर्ड मार्केट है, बिकॉज इसके सामने बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस, बट इसके डायरेक्ट अपोजिट में और डायरेक्ट बाजू में ये मार्केट है जो सीओ बाजार है। पूरा सेक्शन बेसिकली पूरा ये सेक्शन जो ये एरिया है ये ड्राई फ्रूट्स का ही है। ड्राई फ्रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स के इधर प्लेट्स लगे हुए हैं। तो आपको ये सारे सामान मिल जाएंगे इधर, काजू बादाम है सब। जैसे कि मैंने ये लिया था अभी, ये था नहीं इधर, आमंड ये लिया मैंने। ये किलोग्राम है 1,35,000 का किलोग्राम है, और इसका है 75,000, इसका है 70,000 ऑलमोस्ट 50-60 रुपये किलोग्राम है ये। सेट इधर से निकलते हैं, अभी निकल के जाते हैं लेंटिल्स वाले सेक्शन में। गर्मी बहुत है आज। आपको इधर बहुत सारे वैरायटी के साग मिल जाएंगे, बट इतने मेरे को नाम ही नहीं पता इतने खाने के, खाना कैसे इनको। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी का आपको इधर साग वगैरह मिल जाएगा। सो ये 10,000 सोम का किलोग्राम है, 10,000 सोम ऑलमोस्ट 72 रुपये के हिसाब से है ये छोले। फिर ये ही थोड़े बड़े तो ये 35,000 का है, ये इससे बड़े तो 40,000 सोम का है ये किलोग्राम। महंगे ये छोले इधर महंगे हैं। वो सिमतीस 8,000 का है ये किलोग्राम। नहीं 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 ये तो पितनाथ से था 15,000 का किलोग्राम है। और ये राजमा स्कॉल का वो सिमनाथ 18,000 का किलोग्राम है ये। सेशन तो अभी इधर से निकल जाते, ले लिया जो सामान लेना था, ऑलमोस्ट 150,000 के आसपास खर्चा हो गया, 1.5 लाख के आसपास लिया नहीं। तो अभी इधर से निकलेंगे, जाएंगे अभी सुपरमार्केट। तो आ गए हम लोग सुपरमार्केट में। ये कोर्सिंग का है, जैसे हम लोगों के इंडिया में पहले बिग बाज़ार था तो वैसे ही कोर्सिंग का है ये। तो इसमें सब कुछ मिल जाता है, सुपरमार्केट चेन है, हर जगह है, पूरे ऑल ओवर उज़्बेकिस्तान में है। तो ये हमने सामान रख दिया अपना, लेट्स गो इनसाइड। तो आप प्याज का रेट देख सकते हो इधर 5,000 किलोग्राम है ये। आलू का सेम ही है 4,690 किलोग्राम। आपको बड़े वाले पैकेट में मिल जाएगा, उसका 5,490 है किलोग्राम। रेड के प्राइसेस अलग है, वाइट वाले प्याज के प्राइसेस अलग है। बोलोगे तो ब्रोकोली का किलोग्राम है 17,490, ये पता नहीं क्या है, इसका है 5,990। ये कुछ पत्ता गोभी भी नहीं है, कुछ अलग है, इसका 5,000 के आसपास, 5,000 ही है किलोग्राम। इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। इसका है 10,000 किलोग्राम,
ये अदरक सबसे महंगा है, 70,000 किलोग्राम है ये अदरक, इम्पीर कहते हैं। टमाटर का देखो इधर, 5 टमाटर 9,000 रुपये के आसपास है, 9,000 सोम। ये कुछ कुकुम्बर है 5-6, तो ये 7,000 का है 600 ग्राम। बात करोगे तो ये 23,000 का है, 24,000 का है। ये लाल वाला है 30,000 का, कर दो किलो वो कर दे, रेट कर दे इसका। और अगर आप येलो वाला बोलोगे तो उसका 30,000 है। चिली का पर चिली का प्राइस लगता है इधर, तो एक चिली का है 790 सोम एक का इधर। और तो कुछ दिख नहीं रहा। ये कैरोट से कैरोट 10,000, कैरोट सस्ता है, 10,000 का किलोग्राम मिल जाता है। और एक कपूस्ता है, कपूस्ता आपको सस्ते में मिल जाता है, कपूस्ता 2,000 में मिल जाएगा, बहुत सस्ता है इधर कपूस्ता। पाइनएप्पल, हाँ अगर आप पाइनएप्पल खरीद रहे हो 65,000, ऑलमोस्ट 500 रुपये एक अनानास का। ऑरेंजेस 25,000 सोम किलोग्राम का है, ठीक। और एप्पल से वैरायटी होता है, अगर आप ये वाले एप्पल ले रहे हो 18,000 का है, अगर रेड एप्पल ले रहे हो तो ऐसा इस प्राइस का है। पीच के प्राइस कुछ ऐसे 21,000 का है ये, और फ्रूट से बेरीज ही बेरीज है। हाँ अगर आप बैंगन ले रहे हो तो अभी सस्ता है बैंगन, बहुत सस्ता हो गया, पहले बहुत महंगे थे, अभी बैंगन का प्राइस है 12,000। लहसुन का प्राइस है कुछ 23,990 ऑलमोस्ट 24,000 किलोग्राम का। और ये क्या है, ये शालगम का प्राइस है 10,000 किलो। बेसिकली मुझे ये पता है, धनिया का प्राइस है 1,790 ऑलमोस्ट 2,000 एक बंडल। आप अगर नूटेला के फ़ैन हो तो फिर देख लो प्राइसेस क्या है। अगर बड़ा वाला है 90,000 सोम ऑलमोस्ट जो भी होगा प्राइस लिखा होगा। ये छोटे वाले 28,000 सोम, ये नूटेला नहीं है, 51,000। चॉकलेटा है एक, इधर का लोकल होगा ब्रांड ही, 28,000 का। इधर जेम्स वगैरह 19,000-38,000 में जेम मिल रहा है जो भी। हाँ ये है कॉर्नफ्लेक्स, 700 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस है 45,000 है। और अगर आप मूसली लेते हो, मूसली का प्राइस है 28,000 एक पैकेट का। ये कितना ग्राम है, 250 ग्राम का, और थोड़ा अच्छा है ये, इसका प्राइस है 40,000 फॉर 280 ग्राम। उधर आपको पूरा मोलो को सेक्शन दिख रहा होगा, 1% का भी मिलता है, तो प्राइस डिफर करता है परसेंटेज की। 2% 11,490 में मिल रहा है, ये डिफरेंट ब्रांड का है, बट लकटेल सबसे अच्छा है। ये 2% मिल रहा है 11,990 ऑलमोस्ट 12,000 का। ब्रेकफास्ट में योगर्ट लेते हो तो इधर डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट फ्लेवर्स के योगर्ट मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर प्योर मिल्क की ब्रांड का ही चलता है इधर योगर्ट और जो दही है। तो ये एक बोतल बनाना फ्लेवर का 8,990 का है। सेम अगर आप स्ट्रॉबेरी का देखोगे, ये ऑफर में चल रहा है अभी, बायो बैलेंस का है 10,490। सबसे अच्छा ब्रांड ऐसा ही है इधर, सबसे महंगा वाला ब्रांड इधर। तो ये कुछ फ्लेवर का है, पता नहीं पीच का होगा शायद, स्ट्रॉबेरी का है, 7,490 का है। ये पूरा ये योगर्ट वाला सेक्शन ही है। अगर आप कफीर, जो कफीर इधर कहते हैं दही को, तो दही इधर लाइक जो प्राइस है दही का, ये दही का वो है बोतल है, ये डिपेंड करता है कितने परसेंटेज वाला आप ले रहे हो, कितना डेंस, हाँ फैट परसेंटेज कितना है। तो ये 3.2% है, 3.2% का 8,990 का है प्योर मिल्की का। सेम अगर 2.5% का आप ले रहे हो तो 2.5% का 8,490 है। सेम 1% का ले रहे हो तो 7,990 का है। तो डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये बेकन है, सब बेकन वाला सेक्शन है, प्राइसेस कुछ ऐसे फ्लैश हो रहे, आप देख लो जो भी है कॉन्वर्ट कर लेना आप। एंड ये सारे सॉसेजेस है जो मैक्सिमम बीफ के, चिकन के है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना ही कह सकते हो। हाँ सॉफ्ट ड्रिंक इधर बहुत ज़्यादा चलता है, तो सस्ता है। 2 लीटर पेप्सी ले रहे हो तो 15,000, 2 लीटर कोक ले रहे हो तो भी 15,000। और इधर आटा का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है, तो मैदा मिलता है हर जगह मैदा, तो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट मैदा यूज़ होता है इधर। तो आप देख सकते हो मैदा का प्राइस एवरेज में सस्ता है इधर, 15,000 में आपको मिल जाएगा 2 किलो, बहुत अच्छा प्राइस है, मैदा सस्ता ही है इधर, इतना महंगा है नहीं है। और आप तो अगर शक्कर की बात करोगे, शुगर को ये लोग शक्कर ही कहते हैं, तो प्राइस है 27,000 है 2 किलो का, तो शुगर का प्राइस सही है। और अगर आप पास्ता मैकरोनी वगैरह लेते हो तो सस्ता ही है, डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट रेंजेस से मिल जाएंगे आपको, ये छोटे वाले 9-10,000 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अपना ये केचप वाला सेक्शन, तो केचप के नॉर्मल रेंज ही है, 19,000-15,000-20,000 में मिल जाएगा। तेल, अगर आप तेल खरीद रहे हो, पहले जैसे कि इसका ऑफर चल रहा था, अभी ऑफर कम हो गया, ख़त्म हो गया है, तो ये 15,900 ml का है, ये 16,990-17,000 के आसपास। अगर जितना रिफाइंड ऑयल होगा उतना महंगा होगा, ये 19,000 का है, 20,000 का है। आप अगर ओलिव ऑयल ले रहे हो, तो 60,000 का है, ये 500 ml 500 ml 60,000 का है। तो ये कॉर्न ऑयल है, गोल्डन कॉर्न ऑयल 35,000 का है, और ये शायद रिफाइंड ऑयल है जो हम लोग सादा ऑयल कहते हैं, 24,000 का है। ये है सबसे, ये शायद 5 लीटर का है, 1,00,000 का है ये तेल, पता नहीं क्या है ये, 25,000 का। ये चिली है
35,000 का। ये जीरा है, जीरा देखो जीरा लिखा हुआ है, इसका है 56,000। और अगर आप नूडल्स के रेट बोलोगे तो छोटे वाले जो है ये चिकन वाले हैं, ये मिल जाएगा आपको 2,190, 2100 या 2200 के आसपास सोम एक पीस। और रेडी टू ईट अगर पानी ऐड करके बनाना है तो ये मिल जाएगा आपको 9,000 में। डिफरेंट वैरायटी है नूडल्स के। तो ये वाला सेक्शन पूरा चाय और ये कॉफ़ी वाला सेक्शन है। तो आपको चाय बेसिकली इधर अच्छा मिलेगा नहीं, इंडिया से लेके आओ बेहतर है। आपको कॉफ़ी लेना है तो कॉफ़ी का प्राइस देखो, ये वाला अगर लेते हो आप नेस्कॉफी वाला 26,000 में मिल जाएगा आपको, 26,500। छोटा वाला 16,500। नेस्कॉफी गोल्ड का ऐसा ही है 34,000, 25,000। जैकॉब का अगर आप ले रहे हो तो 45,000, ऐसा ही प्राइस रेंज। और अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे बढ़िया ये सारे सेशेस हैं, आप जस्ट गर्म पानी में ऐड कर दो, कॉफ़ी बन गया। पकड़ लो कि अगर आप कैपेचिनो ले रहे हो तो 3,190 का एक मिल जाएगा आपको। अगर आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो तो 1,690 का आपको एक मिल जाएगा। सेम अगर आप नेस्कैफे क्लासिक ले रहे हो, एक सेशे 1,690। जैकॉब के भी मिल जाएंगे, जैकॉब के थोड़े महंगे होते हैं, 2,290 का एक सेशे। ऐसे डिफरेंट मिल। और अगर आप मछली ले रहे हो तो ये शायद सलमोन फिश है, पैकेटेड आता है ये, 33,000 करके है, 30,990। मेरे को नाम नहीं पता इस मछली का, तो एक केजी का है 45,990। और ये काइंड ऑफ रोहू है अपने उधर जो मिलता है इंडिया में, तो ये है 80,000 का है। अच्छा एक पीस 80,000 का, या फिर 1.222 किलो का 80,000 करके है इसका कुछ। बड़े वाले का प्राइस है, और बड़े वाले का प्राइस 1,79,990 है, बड़े पीसेस बड़े। और ये सबसे बड़ा फिश है, पता नहीं क्या है ये, कौन सा फिश है, इसका प्राइस है 1,25,990 पर किलोग्राम। ये है चिकन के प्राइसेस। तो चिकन इधर फुल भी मिल जाएगा आपको, और आपको लाइक पीसेस भी मिल जाएंगे, लाइक ब्रेस्ट, ये विंग्स, ये लेग पीसेस भी मिल जाएंगे आपको। थाई का है 37,990, विंग्स का 41,990। ये फिले है जो सबसे ज़्यादा मांस होता है, वाइट मीट कहते हैं जिसको चिकन में, 48,990। और ये थाई प्लस आपको लेग मिल जाएगा, ये 32,490 का है। और फुल वाला चिकन जो है वो उधर है, वो है 30,990 का फुल चिकन। इन्हें अंडे अगर आप 30 का कैरेट ले रहे हो, अभी सस्ता है, 36,000 में मिल रहा है आपको 30 अंडे। ये बेटर है, बेटर देन ऑल दिस, 10 अंडे का 18,000। अगर डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, आपको कोलगेट वगैरह लेना है, तो कोलगेट का प्राइस कुछ ऐसा है 31,000, 24,000। जो सबसे बेसिक कोलगेट है, बेसिक कोलगेट तो इधर दिख ही नहीं रहा मुझे, हाँ ये रहा, ये 19,000 का है बड़ा वाला ट्रिपल एक्शन, 20,000 का, मतलब 140 रुपये का। अगर दांत में दिक्कत है, सेंसोडाइन यूज़ करते हो तो 44,000 का है ये सेंसोडाइन, 40,000 का ये वाला है। कन्वर्ट करके मैं स्क्रीन में लिख दूंगा कितना रेट है कितना नहीं है। डिओड्रेंट्स वगैरह का अगर किसी कोई ओल्ड स्पाइस का यूज़ करते हो तो 43,000 का है। और अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हो तो 52,000 का है ये ओल्ड स्पाइस का, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का, बट इसी रेंज में 30,000 से लेके 50,000 तक का ही है। साबुन वगैरह मिल जाएगा आपको 9,000, 10,000, 12,000 के हिसाब से मिल जाएगा आपको। और अगर आप शैम्पू की बात करोगे तो पेंटीन वगैरह भी यूज़ करते हो तो पेंटीन का देख लो रेट 38,990 का है। हेड एंड शोल्डर कोट 42,990 का है, बड़ा वाला 62,990 का है ये, और हेड एंड शोल्डर मैन 42,990 का है ये। और इधर आप रहते हो तो टॉयलेट पेपर मस्ट है, क्योंकि जेट्स की है नहीं इधर, तो आपको 6 रोल का मिल जाएगा आपको 21,990 में मिल जाएगा आपको, 8 रोल मिल जाएगा आपको टॉयलेट पेपर 21,990 में। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप बात कर रहे हो तो दो तरीके के होते हैं, इन सिटी ट्रांसपोर्टेशन और आउट सिटी ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप आउट सिटी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हो तो समरकंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी। यह है रेलवे स्टेशन इनका, जो बाकी सारे मेजर सिटीज़ ऑफ उज़्बेकिस्तान से इसको कनेक्ट करते हैं। बाकी अगर आप इधर से डिस्टेंस जानना चाहते हो ताशकंद का, तो समरकंद से ताशकंद का डिस्टेंस है अराउंड 320 किलोमीटर। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो सुपरफास्ट ट्रेन से आपको 2.5 घंटा लगता है समरकंद से ताशकंद पहुंचने में, और बाकी अगर आप पैसेंजर ट्रेन में जा रहे हो तो आपको अराउंड कितना टाइम लगता है, अराउंड 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो फेयर 60,000 सोम से लेके 2.5 लाख सोम तक होता है ट्रेन के फेयर्स। एट द सेम टाइम अगर आप फ्लाइट के बारे में पूछ रहे हो तो फ्लाइट में अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगता है समरकंद से ताशकंद पहुंचने में, और फेयर अराउंड 2 लाख सोम रहता है, 2 लाख से 2.5 लाख सोम तक रहता है।
सो ये हो गया आउट सिटी ट्रांसपोर्टर। अगर आप हम लोग इन सिटी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं तो इधर ट्राम भी है, मिनी बसेस भी है, एसी बसेस भी है और नॉर्मल बसेस भी है, शेयर टैक्सी भी है, और जैसे इंडिया में होते हैं ओला उबर, इधर यनटैक्स करके ऐप है वो चलता है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आप जा सकते हो। जो बसेस के फेयर है बस या फिर ट्राम के, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक अगर आप जा रहे हो तो कहीं भी आप उतर जाओ, कहीं भी जाओ आप, तो फेयर 1500 सोम ही है ट्राम का और बस का। ऑन द सेम टाइम तो शेयर टैक्सी का फेयर 5000 सोम से लेकर 10000 सोम पर पर्सन होता है। और अगर आप यनटैक्स का कर रहे हो तो यनटैक्स डिपेंड करता है कौन से टाइम में आप यनटैक्स बुक कर रहे हो या फिर कौन से टाइम में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक्स्ट्रा खर्चे की बात कर रहे हो, जैसे कि वीकेंड्स में आप निकल गए बाहर, या फिर इस सिटी के अंदर एम्यूजमेंट पार्क्स भी है, मॉल्स भी है, आप खाना खाने बाहर चले गए, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है 2-3, तो आप उधर खाना खाने चले गए, या फिर हेयर कट हो गया, स्टेशनरी ख़रीदना हो गया, इन सब में भी खर्चा लगता है। इन शॉर्ट लास्ट में मैं कंक्लूशन में बोलना चाहूँगा कि आपको अगर इधर रहना है अच्छे से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको अच्छे से इधर रहना है तो आपको, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, डॉर्मेटरीज में रह रहे हो, तो आपको महीने 10-15 हज़ार INR चाहिए अगर अच्छे से आपको रहना है हॉस्टल में अगर आप रहते हो। एंड अगर आप बाहर रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, तो आपको महीने में 20-25 हज़ार INR चाहिए अच्छे से इधर रहने के लिए। दैट्स इट, दैट वॉज द वीडियो। आई होप गाइज यू लाइक इट। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।